नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम इनकेत सेठ और स्वागत है आप सभी का अपन मनर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी हम वाराणसी के भदौं इलाके में हैं। ये भदौं इलाका कयागपुरा के पास पड़ता है। कयागपुरा से राजघाट खिड़किया घाट जाते समय सामने आप देखेंगे ये भदौं वीर बाबा का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर इस समय जनता काफ़ी आक्रोश में दिख रही है। इसका कारण यह है कि वाराणसी में इधर दो तीन दिनों से हड़ताल के चलते वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठप है। बिजली के चलते यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है वो एकदम ठप पड़ी है। आए यहाँ लोगों से जानते हैं कि यहाँ क्या मामला है। आप मेरे साथ खड़े रहिए। अरे, मेरी निवेदन हित बात। हाँ बताइए, आपका निवेदन क्या है? वहाँ मैं डी एच ई हूँ, अगर मेरी नौकरी कहाँ पे रामनगर में। सही बोला ये। मैं साथ कोई नहीं हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्या मामला है भैया यहाँ? हम नियाज अहमद युवा छात्र नेता। यहाँ सारी जनता, इतने आवाम और इतनी भीड़ देख रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ प्रदेश की स्थिति खराब चल रही है और बिजली पानी से हर लोग परेशान है, इसलिए आज जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरी है। अब सरकार से बस यही मांग है कि बस बिजली और पानी समय से उत्पादन करा दें। तो यहाँ पर हड़ताल कर, यहाँ पर रास्तों को रोककर रास्ता जाम करने का बस यही रीज़न है? बस यही कारण। और गरीब बच्चे हैं, स्कूल जाना है, किसको ड्यूटी जाना है, कहाँ जाना, सारे लोग परेशान हैं बिजली उत्पादन की वजह से और पानी की वजह से। तो जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, यहाँ पर रास्ता आप लोग रोके हुए हैं, इससे कुछ लोगों को, आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनको भी नुकसान नहीं है, अगर बिजली पानी आएगा पूरे प्रदेश की हाल यही है। ठीक है, जब उत्पादन आएगा सारे लोग, जिनको समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज ये अगर 10 लोग खड़े हैं यहाँ पे तो उनके वजह से सारे लोग बेनिफिट लेंगे कि नहीं लेंगे, इसलिए जनता आक्रोशित है। आगे का कार्रवाई प्रशासन करेगी, जो भी सरकार करेगी फैसला, और जनता की यही मांग है कि बिजली और पानी उत्पादन। तो यहाँ बिजली कब से नहीं है? तीन दिन हो गए ऐसे ही है। और पानी? पानी का भी वही कंडीशन है, मतलब यहाँ तीन चार दिनों से बिजली पानी व्यवस्था एकदम पूरी तरह से ठप। पूरी तरह से बहुत बहुत इस वक्त यहाँ पर देख रहे होंगे, लोगों ने चक्का जाम करके यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया है और रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं। इधर एरिया में दो तीन दिनों से बिजली व्यवस्था ठप है एकदम। ऐसा से नहीं।
अपने आप।